नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज और में। दोस्तों, मेरे क्यूअर ने जानना चाहा है कि जब एक मालगाड़ी के पीछे किसी दूसरी मालगाड़ी को जोड़ा जाता है तो उसमें जो लोकोमोटिव होता है क्या वह भी फोर्स लगाते हैं कि नहीं। दोस्तों, इनका कहना यह है कि जब दो मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो बीच में जो लोकोमोटिव होगा वह फोर्स अप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी के दिमाग में भी इस तरह के सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार दो मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया जाता है और यहाँ पर उसके बीच में भी एक लोकोमोटिव होता है। तो यहाँ पर बीच वाला लोकोमोटिव आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं, इस बात को समझने के लिए आपको लोको के ऑपरेशन के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जनरली जब भी यहाँ पर दो लोकोमोटिव को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे कि मल्टीपल यूनिट कहा जाता है, तो यहाँ पर दोनों लोकोमोटिव में आगे बैठा जो लोको पायलट होता है, जो भी ऑपरेशन करेंगे, उसके पीछे वाले लोकोमोटिव में वही सेम चीज़ें होती है। यहाँ पर आगे वाले लोकोमोटिव को जो है लीड लोको कहा जाता है और पीछे वाले को ट्रेल। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों लोकोमोटिव को आपस में एक कंट्रोल केबल के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर 24 पिन की एक केबल होती है और इसी सॉकेट में केबल को लगाकर जब कभी भी आगे जो भी चीज़ें होगी वही सेम चीज़ें पीछे वाले लोकोमोटिव में होती है, जिससे आगे बैठा लोको पायलट यहाँ पर पीछे वाले लोकोमोटिव को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जब लोकोमोटिव कई सारे कोच के बाद लगाया जाता है तब यहाँ पर वह कंट्रोल केबल नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर आखिर कैसी चीज़ें होती है, इसे समझने के लिए आपको लोकोमोटिव के नीचे लगे ये ब्रेक पाइप के फंक्शन को जानना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी कोच होते हैं उनके नीचे एक ब्रेक पाइप और एक फीड पाइप लगा होता है। तो यहाँ पर जब लोको पायलट यहाँ से लोकोमोटिव में आगे बैठे ब्रेक का प्रेशर को रिलीज करते हैं या घटाते या बढ़ाते हैं, तो वही सेम चीज़ें जितनी कोच होती है लास्ट वाले कोच तक वो सारे ऑपरेशन होते हैं। तो जब यहाँ पर बीच में एक लोकोमोटिव को जोड़ दिया जाता है तो आगे से अगर कोई लोको पायलट ब्रेक को कंट्रोल करेगा तो चूंकि वह पाइप से कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर बीच वाला लोकोमोटिव में भी ब्रेक अप्लाई होगा और उसी तरह से लास्ट वाले में भी ब्रेक अप्लाई होंगे। यानी ब्रेक का फंक्शन आगे बैठा लोको पायलट पूरे ट्रेन को कंट्रोल करता है, जो कि सिर्फ ब्रेक का होता है। ब्रेक की कंट्रोलिंग आगे वाले लोको पायलट से होती है। अब यहाँ पर ऑपरेशन की बात की जाए तो बीच में लोको पायलट होते हैं और वो लोको पायलट आगे वाले लोको पायलट से वॉकी टॉकी से कनेक्टेड रहते हैं। जब यहाँ पर आगे का लोको पायलट ये इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ पर अभी आपको स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर रखनी है, तो बीच में जो लोकोमोटिव है उस पर जो लोको पायलट होते हैं ट्रेन की स्पीड को बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। ब्रेक का कंट्रोल सारा का सारा आगे वाले लोको पायलट से होता है। आगे वाला लोको पायलट ब्रेक अप्लाई होगा, करेगा यहाँ पर, तो सारे कोच में एक साथ ब्रेक अप्लाई होंगे। लेकिन जब बात आती है स्पीड बढ़ाने की, तो जैसा वो बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे कि अभी आपको स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर कर लेनी है, तो यहाँ पर लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देंगे, यानी लोकोमोटिव की स्पीड को बढ़ाकर 80 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्पीड का कंट्रोलिंग वहाँ के लोको पायलट के द्वारा होता है और यहाँ पर बीच में जो लोकोमोटिव है वो आगे की तरफ पुश करते हैं, यानी प्रेशर को लगाते हैं, लेकिन ब्रेक का जो रोकने का जो स्थिति होता है, कंट्रोलिंग होता है, वो आगे के लोको पायलट से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।